साथियों नमस्कार। देखिए भाइयों, आज मैं खेड़ी मनियार गांव में हूं, जो कि मवाना के पास पड़ता है। और आज आपको मैं ऐसा घर दिखाऊंगा जिसे अजूबा घर भी बोल सकते हैं आप। और इसमें जो है भाइयों, कई साल तक कार्य चला। और ये मैं थोड़ा सा आपको बाहर से दिखाता हूं, यहां से एंट्री करी मैंने और ये इनकी गाड़ी खड़ी है। और ये बहुत ही पीछे तक है मकान इनका। और ये इंटरलॉकिंग टाइल लग रही है यहाँ पे। इधर इनका जनरेटर खड़ा है। और ये देखिए भाई, इनकी यहाँ पे बैठक टाइप में बरामदा बना रखा है, यहाँ पे सभी बैठे हैं। हाँ जी, राम राम जी। राम राम भैया जी। थोड़ा सा तो जी एक बार पहले अपना परिचय दो जी। मेरा नाम अनुपम राणा, एडवोकेट जी। पिताजी का नाम धर्मवीर सिंह राणा, एडवोकेट जी। गाँव खेड़ी मनिहार जी, मवाना मेरठ। अच्छा अच्छा, के निवासी हैं जी। तो जी, ये कितनी जगह में बन रहा है जी आपका मकान? ये करीब होगा 1000 गज से ज़्यादा में है। 1000 गज। तो कितने साल में तैयार हुआ जी ये? जब हुआ था 2 साल में। 2 साल लग गए थे जी। अच्छा अच्छा, तो ये नक्शा पास करवा रखा जी आपने? नहीं, गांव में नक्शे पास नहीं होते। अच्छा अच्छा, गाँव में तो ऐसे बन जाए। अपने से ही बनवाया जी। और हमने फिर नया क्या पुराने मकान का रिनोवेशन किया था जी जी। कुछ जो पुराने मकान है और कुछ नया। तो देखिए भाइयों, अभी अंदर से दिखाते हैं आपको मकान। ये देखिए कितना बड़ा इनका बरामदा है, बाहर में बैठक टाइप में बोल सकते हैं आप इसे। और ये देखिए पत्थर वगैरह लग रहा है। और यहाँ से अंदर की एंट्री। देखिए भाइयों, ये इनका हॉल हो गया। और इधर से यहाँ से कमरे। तो ये तो साल के बनवा रखे होंगे जी कमरे? ठीक के, ठीक के, ठीक के जी। हाँ। अच्छा अच्छा, ये तो पुराना है, हमारे पिताजी के टाइम का बना। अच्छा अच्छा, इसका तो मॉडिफिकेशन कराया आपने? बस इसी का मॉडिफिकेशन कराया। अच्छा अच्छा जी। और ये? ये नया। अच्छा अच्छा, ये जिन्ना कौन से टाइप का बोला जाए जी? घुमावदार है तो? घुमावदार। हाँ जी, घुमावदार जिन्ना। देखिए भाइयों, जिन्ने पे पत्थर वगैरह देख सकते हैं आप, रेली गोल जिन्ना बोल रहे जी, घुमाओ तो रहे ना। छह पत्थर कौन सा जी? ये ग्रेन तो इटालियन है। अच्छा, इटली का जी? हाँ जी। अच्छा अच्छा, नीचे भी इटालियन है, ये वाइट है। अच्छा अच्छा, ये देखिए भाइयों, ऊपर से एलिवेशन कुछ इस तरीके का है, डिजाइन बन रहा है ऊपर इनका। तो इसमें शीशा लग रहा है जी ऊपर डिजाइन? हाँ, शीशा लग रहा। अच्छा अच्छा, देखिए दो मंजिल, दूसरी मंजिल है। अच्छा, गांव की सबसे पुरानी, लगभग कितने साल पुरानी होगी जी? ये 400 साल पहले। अच्छा अच्छा, इसी का मॉडिफिकेशन कराया? ये पहले तो ये दोस्त होगी। हाँ जी, आ जाओ, मैं बताऊँ जी जी। भाइयों, तीसरी मंजिल पर आ गया हूँ। हमारे पूर्वज आए ना जी जी, तो सबसे पहले ये हवेली बनाई सामने। ये तो खड़ी है भी। अच्छा अच्छा, ये पेड़ ऐसी होती? अच्छा, ऐसी ही थी। हाँ जी जी। तो फिर हमने तोड़ के पिताजी ने बना ली थी 50-60 साल पहले जी जी। फिर हमने इसका वो कराया। वो लगभग 400 साल पुरानी जी। हाँ हाँ, गाँव में सबसे पहली होगी। हाँ, वो ये दोनों बड़ी थी जी जी। ये सबसे ऊँची पे है जी। हाँ, ऐसा सारा गाँव दिख रहा है जी, सही कह रहे बिल्कुल। हाँ जी जी, देख सकते हैं भाई। हाँ जी हाँ जी, सबसे ऊंचाई पर खड़े हैं हम जी जी। हमारा मुद्दों का बाग। अच्छा अच्छा जी जी, ये बाग खड़े ना जी जी जी, इनके पास में अमरूद का बाग। हाँ जी। अच्छा अच्छा, हाँ वहाँ चमक रहा जी। टीक के जो दरवाजे हैं इसमें, टीक कौन सी लकड़ी हो जी? सागवान। अच्छा, सागवान की जी? सागवान। अच्छा अच्छा, सागवान और दयार जी जी, ये बहुत पुराने टाइम से लगी हुई है। हाँ जी हाँ जी। तो ये ऊपर भी चौक बहुत है जी? हाँ, ये चौक बहुत बड़ा, वहाँ से तो इसकी 3D पिक्चर ली थी उसने, मेरी बेटी ने। अच्छा अच्छा, वहाँ से खड़े होकर इसकी 3D पिक्चर ली थी जी जी, पूरी जिसमें आ जाए ना वो जी जी जी, तो बड़ा सुंदर आया था। तो एक बार दूसरी मंजिल पे से लेंगे एक बार। हाँ जी, जिन्ना बहुत बढ़िया लग रहा जी। हाँ, जिन्ने में आराम भी है चलने में जी। देखिए भाइयों,
अच्छा अच्छा भाइयों, ये जो जिन्ने में पत्थर लग रहा है ये इटालियन पत्थर है, ये देख सकते हैं आप। तो ये तो कॉस्टली होगा जी काफ़ी। हाँ जी हाँ। और ये देखिए भाइयों कितना अच्छा इन्होंने जिन्ने पे एक साइड में मूर्ति दिखा रखी है। अब हम जो इनकी दूसरी मंजिल पर देख सकते हैं आप, काफ़ी बहुत बड़ा चौक बैठा जी। हाँ जी हाँ जी। देखिए भाइयों इतने बड़े एरिया में सारे में पत्थर लगा हुआ है बढ़िया करके। और यहाँ जो है हम बिल्कुल आगे की तरफ आ गए जहाँ से शुरुआत करी थी, यहाँ छत पे है ऊपर। अच्छा अच्छा हाँ जी। हाँ सर बढ़िया चमक रहा है जी। हाँ जी। वो देखिए भाइयों यहाँ से थोड़ा सा मैं नीचे का भी दिखा दूँ आपको, बहुत ही अच्छी इंटरलॉकिंग टाइल वगैरह। और नीचे जो है बढ़िया आदमियों के लिए बैठने के लिए व्यवस्था है। तो भाइयों तो जी काफ़ी पुरानी हवेली आपने रिपेयर करा ली और कुछ अपना तरफ से नया जोड़ लिया हमें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अपने दिमाग से बनाया सब कुछ। हाँ अपने दिमाग से। हाँ जी हाँ जी। तो देखिए भाइयों इनका घर आपको ज़रूर पसंद आएगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताना भाइयों। नमस्कार भाई, मैं तुम्हें बाथरूम दिखा सकता हूँ। जी जी स्पेशल मैंने बनवाया। जी जी चलो एक बार बाथरूम और दिखा दें उसमें, वो तो लगेगी जी काफ़ी। जी जी तो बाथरूम बता रहे थे जी आप। बाथरूम मैंने बनवाया था स्पेशल। जी जी। अरे कोई है तो नहीं अंदर? ये पीछे आ गई इस मकान में ना। ये फ्रंट ही है। अच्छा फ्रंट इधर से है। हाँ। मतलब यहाँ बहुत से मकान ऐसे जी इधर रास्ते से उधर पार हो रहे। हाँ, हाँ जी फ्रंट तो यही है। अच्छा अच्छा फ्रंट यही है पुराने टाइम में। जी जी जैसे ये गली है ना इधर। जी जी तो यही था पहले मेन। अच्छा अच्छा देख ये इधर गली में पार आ गए उधर की साइड से। और ये इनका देख सकते हैं आप इधर पुराना मकान यहाँ से है। और ये हवेली है जी वो पुरानी। हाँ। जो आप बता रहे सबसे पहले ये भी बनी। हाँ जी हाँ जी। योर यो। जी जी ये जनानी थी मर्दानी। हाँ जी हाँ जी। देखिए भाइयों इस तरह के गेट से पहले इसमें तो जी जितनी आपने 1000 गज जगह बताई ना। हाँ 1000 गज से तो देख लो सारे में पत्थर लग रहा, तीसरी मंजिल तक लग रहा। हाँ पूरे में। हाँ जी पूरे में लग रहा है। और यही सबसे कॉस्टली पड़ा है किस पत्थर की कारीगरी है। अच्छा जी जैसे ये बात बना हुआ ना। हाँ जी हाँ जी ऊपर तक। जी जी वो थोड़ा बड़ा है इससे दोगुना। जी जी और उसमें पत्थर की बड़ी अच्छी डिजाइनिंग बनी हुई है पट्टी वट्टी लगा के। जी जी जैसे इसमें टिकट काट के डाल दी हुई है पर जॉइंट फ्री है। अच्छा अच्छा राजस्थान से आए थे कारीगर। जी जी अच्छा ये लाल वाला पत्थर और महंगा होगा जी। हाँ अच्छा अच्छा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जॉइंट दिखाई नहीं सकता। जी 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 आगे देखिए भाई कितनी अच्छी इन्होंने ये शोकेस वैसे चढ़वा रखी जी। हाँ? अच्छा अच्छा ये देखिए इनका बाथरूम भाई हो ये बेडरूम अटैच है ना। अच्छा अच्छा जी ये जो डिजाइनिंग है इसमें। जी ये बड़े पैसों में बनी थी। अच्छा ये पत्थर में जो डिजाइन बनाई। हाँ अच्छा अच्छा नक्काशी करके बनवाई थी। जी 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 तो राजस्थान से बुलाने पड़े जी मिस्त्री। हाँ आए थे भी बनाने गए 2 महीने रहे। जी जी तो काफ़ी बड़ा जगह में ले रखा जी तो। हाँ जी वो लगता है जाकू जी अभी काम चल रहा जी इसमें टर लगे नीचे। जी जी और वो अभी पूरा हुआ ना है। जी जी मकान में पैसा तो बहुत लग जाए नहीं चलता पैसा का तो। और पैसा जी मकान में शादी में पैसे चले। हाँ हाँ बिल्कुल आपका भी बहुत खर्चा आ गया होगा इसमें। कुछ आइडिया जोड़ रखा है जी कुछ ये तो जोड़ रखा। हाँ हाँ ये देखो लकड़ी बहुत बेहतरीन लकड़ी है। हाँ जी ये अलमारी। हाँ ये बहुत बेहतरीन लकड़ी है सही कह रही है बहुत। ये दरवाजे भी जी ये 100 साल पुराने हैं हमारी हवेली की। अच्छा हवेली की। हाँ ये हवेली की है पुरानी। अच्छा जी ये तो अब बने। हाँ लेकिन ये पुराने हैं पहले गेट ये पुराने ही हैं देखो।
वाकई में जी बहुत बढ़िया। आज तक ऐसे कैसे पड़े बिल्कुल। ये सागौन के कारण से लकड़ी, ये दयार है। दयार, अच्छा अच्छा बहुत पुराने गेट है जी पिताजी हमारे। अच्छा अच्छा देखिए भाइयों, ये इन्होंने बनाया मकान। अच्छा इन्होंने बनाया जी। हाँ हमने तो ये रिनोवेशन करा बस जी जी, जब इसका कंप्लीशन चल रहा था जी जी, बस जब गुजर गया, हार्ट अटैक हो गया था। अच्छा अच्छा और ये भी मुझे लगा पुराने गेट होगा जी वही। ना ये तो नहीं, ये तो नहीं है। अच्छा वो पुराना जो जी जी भाई, वहाँ से एंट्री करके बाहर आ गए। हाँ और यहाँ ये अपना बैठक में सब बैठे हैं, मिठाई वगैरह चल रही है आज भैया दो बजे। इधर का मैंने आपको दिखाई दिया, बाहर इनकी बैठक होगी। इतने बड़े एरिया में भाइयों सारे में कंप्लीट इंटरलॉकिंग व टैल व पत्थर लगा हुआ है। ये इनकी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी है और देखिए भाइयों कितना बड़ा इनका 1000 गज में कोई मकान बना हुआ है। तो भाइयों कमेंट करके ज़रूर बताना। Yeah.